किचन एंड वेलकम टू आवर चैनल बदर आफ्ताब व्लॉग्स। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी यूनिक और एक मुनफरिद डिश लेके आया हूँ जो आज से पहले ना तो आपने यूट्यूब पे देखी होगी और ना ही किसी से सुनी होगी। ये आज स्पेशली मैं अपने प्यारे दोस्तों के लिए लेके आया हूँ ताकि आप ये यम्मी डिश अपने घर में बना के सबको हैरान और परेशान कर दें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल बादामों के ग्रेवी वाले लेग पीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताएंगे और बताएंगे कि ये स्पेशल बादामों वाले ग्रेवी के लेग पीस हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 7 जो है वो लेग पीसेस ले लिए हैं फुल साइज, ठीक है। अब उसके लिए जो हम मसाला यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। ये आपने मसाला जो है अपने लेग पीसीस के हिसाब से कम या ज़्यादा करवा लेना है, तो वो जितने आपके ज़्यादा होंगे उस हिसाब से आपका क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी मसाले की, और जितना आपके जो है मटेरियल कम होएगा, आपका चिकन कम होएगा, उस हिसाब से आपकी जो है वो कुल क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें यूज़ करवाएंगे। जो लहसुन है वो 2 खाने के चम्मच हमने स्पेशली कूट लिया है इसको अच्छे से, ठीक है। ये आपने 2 खाने के चम्मच यूज़ करवाने हैं, 2 खाने के चम्मच अदरक का हम पेस्ट यूज़ करवाएंगे। उसके बाद जो मसाला डलेगा उसमें नमक, सबसे पहले हमारा हस्बे जायका और हस्बे ज़रूरत यूज़ होएगा, लेकिन मैंने ये 1 टीस्पून यूज़ करवाना है। 1 टीस्पून काली मिर्च यूज़ होएगी इसके अंदर पिसी हुई। उसके बाद हल्दी 1/4 टीस्पून का, ये आपने 1/4 जो है टीस्पून का जो है हल्दी इसमें यूज़ करवाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें यूज़ होएगी 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें यूज़ होएगी 1 टीस्पून। गरम मसाला इसमें स्पेशल, जो मेरी रेसिपी पहले आपको शेयर कर चुका हूँ उसी तरह आपने बनाना है। गरम मसाला हम घर मेड बनाते हैं, होम मेड बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये 1 टीस्पून आपने गरम मसाला यूज़ करवाना है। उसके बाद ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ और भुना हुआ, ये आपने 1 टीस्पून यूज़ करवाना है। ज़रदा रंग 1/4 हम टीस्पून का यूज़ करवाएंगे, ये कलरिंग के लिए है, उसके खूबसूरती के लिए होएगा। और इलायचियाँ भी आप 3 से 4 अपनी सब्ज़ इलायचियाँ जो होती हैं वो आप यूज़ करवाएंगे। दही इसमें यूज़ होएगी, ये बैकबोन के तौर पे यूज़ होएगी, इस पर लाजमी जुज़ है वो दही इसका, तो ये हम 1/2 kg दही यूज़ करवा रहे हैं। अच्छा, मिर्चें जो हैं ये हमने पेस्ट बना ली है, देखिएगा इसको मैंने ग्राइंडर के अंदर 4 से 5 मिर्चें जो हैं उनको अच्छे से साफ़ करके धो के इसकी अच्छी सी हमने पेस्ट बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आपने ग्राइंडर में इसकी पेस्ट बना लेनी है। उसके बाद घी यूज़ करेंगे 1 कप, ये आपका टी कप हो सकता है, 1 आपने घी का जो है वो इसमें यूज़ करेंगे। और स्पेशलिटी, ये बादाम ये हमने बॉयल कर लिए हैं और हमने इसको ग्राइंड करके सालन के अंदर यूज़ करवाना है। इसका आप यकीन करें इतना मज़ेदार फ्लेवर आता है, इतना ज़बरदस्त जायका आता है इसका कि आपके अशश कर उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने लाजमी बादाम जो है एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर आपने यूज़ करवा लेने हैं, बेशक आप 25-30 बादाम जो है उनको अच्छी तरह बॉयल कर लें और उसके बाद इसमें यूज़ करवाएँ। प्याज, प्याज हमने बारीक छील लेना है, इसको अच्छे से काट लेना है छुरी से, और ये 2 स्टैंडर्ड साइज के प्याज जो है आप इसमें यूज़ करवाएंगे। पहले हमने कट्स लगाने हैं अपने चिकन को, लेग पीसीज को। तो लेग पीसीज में कट आपने कैसे अप्लाई करने हैं, जैसे आप नाइफ पकड़ेंगे और इसको इस तरह आपने इसको जो है पिंच करना है, ठीक है। कि अच्छे से आपने हर तरफ से इसको पिंच कर लेना लेग पीस को, ताकि आपका सारा मसाला अच्छी तरह इसके अंदर जो है वो रच बस जाए और फ्लेवर जो मसाले का है वो आखिरी हिस्से तक आपको चिकन के जो है वो लेग पीस में से आए अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे लेग पीसेस को हम इसी तरह जो है वो पहले कट्स लगा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स, ये देखिएगा हमने कट सारे अप्लाई कर दिए हैं, ये देखिएगा छोटे छोटे इसमें जो है सुराख हो गए हैं सारे चिकन के अंदर। ये छुरी के साथ, नाइफ के साथ आपने अच्छे से इसको सारा जो है कट्स लगा के हमने अल्हम्दुलिल्लाह रख लिया है। अच्छा, अब हम करेंगे अपने बादाम ग्राइंड। तो बादाम आपने अपने लेने हैं, बादाम इसमें ग्राइंडर में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जायका होता है, आप यकीन करें। और ये यूनिक जो है रेसिपी कभी किसी ने शेयर नहीं की, ना कभी ये आइडिया है किसी को कि ये कैसे हमने अप्लाई करनी है, कैसे इसको बनाना है इस लेग पीस की रेसिपी को। अच्छा, इन बादामों को ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा आपको पानी भी चाहिए, तो आपने इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर आपने पानी डाल देना है, ताकि आपके बादाम जो है अच्छे से ग्राइंड हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रहमान रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिएगा ये पेस्ट बन गई है इसकी। तो इसी तरह आपने इसको ग्राइंड करके अच्छा सा थोड़ा सा पानी डाल के, 4-5 टेबल स्पून पानी के, तो अपने बादाम सारे इस तरह पेस्ट बना लेनी है उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह रहमान रहीम जी। तो फ्रेंड्स, आपने एक परात ले लेनी है अच्छी सी, एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है जिसके अंदर आप मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको दही की रिक्वायरमेंट है, तो आपने जो 1/2 kg हमने दही ली हुई है वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दही डालेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी सब्ज मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे, जो हमने 4 सब्ज मिर्चें ग्राइंड करके रखी हुई है वो हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माशाल्लाह। मसाला जात सारे डालेंगे। अच्छा, मसाला जात के अंदर आपने जो सब्ज़ इलायची है ना, वो नहीं अभी यूज़ करवानी, तो वो हम बाद में यूज़ करेंगे। बाकी सारे जो आपके मसाले हैं वो सारे आपने यूज़ करवा देने हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें अब हम बादामों वाली अपनी जो है पेस्ट जो हमने बनाई है वो भी इसी के अंदर ऐड करवा देंगे। ये बादामों की पेस्ट जो है ये भी हमने इसमें डाल देनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छे से साफ कर लें इसको, सारा पेस्ट आप यूज करवा लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप इसको अच्छा सा जो है रोटेट करके अच्छा सा अपना स्पून घुमाएंगे और सारे मसाले को यकजान कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सारी जो है वो जो दही हमने रेडी किया था वो रेडी हो गई है। अब आपने लेग पीस इसके अंदर डालने स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छे से जो है स्पून के साथ इसके अंदर सारा जो है मसाला इसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह लगाते जाना है और भरते जाना है। अच्छा, इसको जब हम सारा मसाला सारे लेग पीसीस को लगा लेंगे उसके बाद फिर 1/2 घंटा आपने इसको छोड़ देना है ताकि ये मसाला इन सारे होल्स के अंदर अच्छी तरह चिकन के अंदर लेग पीसीस के अंदर रच बस जाए। ठीक है, तो ये सारा आपने इसको उल्टा लेना है दोबारा ऐसे, और नीचे वाली साइड से भी आपने सारा जो है ना इसमें सारा सुराखों के अंदर जितने भी हैं सारे होल्स इन सब में भर देना है आपने सारा दही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लेग पीसीस पे हमने अच्छी तरह जो है मसाला अपना अप्लाई कर दिया है। अब इसको आपने अपने फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए जो है वो रेस्ट करवाना है ताकि ये अच्छी तरह सारा मसाला इसमें रच बस जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी देर हमारे लेग पीसेस मैरिनेट हो रहे हैं उतनी देर में हम अपना प्याज गोल्डन करना शुरू करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक प्यारा सा प्रेशर कुकर ले लेना है, उसके अंदर हम अपना जो ऑयल है या घी है, हम वैसे घी यूज करवा रहे हैं देसी ये, तो आपने अपना घी जो है वो इसमें सबसे पहले डाल देना है और मीडियम स्लो पे आपने आग का जो है फ्लेम इसका रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, प्याज डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये 2 प्याज स्टैंडर्ड साइज के आपने अच्छे से बारीक से काट लेने हैं और इसको आपने जो है गोल्डन ब्राउन करना है, ये बिल्कुल भी ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं होने चाहिए। इसको अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है और इसकी शक्ल जो है वो गोल्डन ब्राउन की तरह की हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट हम यूज करवाएंगे और उसको थोड़ा सा रोटेशन दिलवाने के बाद हम फिर अपनी सब्ज इलायचियां इसमें डाल देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिएगा कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो गया है ये सारा प्याज। तो अब हम इसको ग्राइंडर में पहले ग्राइंड करवाएंगे और उसके बाद फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इलायचियां डाल के इसको फिर थोड़ा सा भूनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ग्राइंड किया है, अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ताकि अच्छे से ये ज्यादा ग्राइंड हो जाए। अब दोबारा हम इसको ग्राइंड करेंगे। दोस्तों, अब हम उसी घी के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अपनी इलायचियां डालेंगे, उसी के अंदर डाल के हमने इसको भूनना है। ये देखिएगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, ये देखिएगा लहसुन अदरक जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह भुना गया है। अब हम इसमें अपना प्याज डाल देंगे जो पेस्ट हमने बनाई है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माशाल्लाह 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 माशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिएगा हमारे उतनी देर में हाफ और तकरीबन हमने लेग पीसेस को लगवाया है फ्रिज के अंदर, ये अच्छी तरह मैरिनेट हो गए हैं। तो अब हम इन लेग पीसेस को इसके अंदर अपने मसाले के अंदर डालना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त ये आपका बन के रेडी होएगा माशाल्लाह रेसिपी कि उंगलियाँ चाटते लोग जो हैं वो रह जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इस दही जो बकाया रिमेनिंग हमारी बची हुई है परात के अंदर, जो बर्तन में आपके बची हुई है, वो भी आप इसमें सारी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिएगा सारी दही हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसी जो है दही के पानी में और दही के अंदर हम इस प्रेशर कुकर को लगवाएंगे और तकरीबन 8 से 9 मिनट आपने इसको लगवाना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको प्रेशर कुकर लगवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ये पानी ड्राई करेंगे, खुले बर्तन में डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, ये देखिएगा हमने इसको ओपन कढ़ाई के अंदर डाल लिया, खुले बर्तन में आप इसको डाल के अब अच्छे से जो है इसका सारा पानी ड्राई करेंगे, क्योंकि दही ने अपना पानी भी छोड़ा है और इसके अंदर प्याज वाला पानी भी शामिल था। तो ये आपने अच्छे से आप इसको ड्राई कर लेना है और इसके ऊपर आपने अब दोबारा थोड़ी सी अदरक लेके इस तरह थोड़ा स्लाइसेस बना के उसके इसके ऊपर जायके के लिए जो है वो छिड़क देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरह आपने सारा इसको छिड़क देना है। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता से रोटेशन देनी है अपने स्पून की और इसको अच्छे से जो है सारा जो है इसका सारा पानी जो है वो ड्राई कर लेना है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको ज़्यादा आपने ज़ोर से चमचा नहीं हिलाना क्योंकि गोश्त बहुत नाजुक होता है चिकन का, तो वो खुलने का खदशा होता है। तो आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रोटेट करना है अपने चिकन को सारे को अल्हम्दुलिल्लाह।